नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 27 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातःकाल सात बज करके छियालीस मिनट तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है अश्विनी नक्षत्र है व्यतिपात योग बालवकरण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के चौबीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के सात मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है जानते हैं आप इस योग का महत्व कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए उस कार्य की सिद्धि होती है आपके इष्टदेव और केवल उनकी आराधना करने भर मात्र से कुंडली के सभी दोषों का समन हो जाना उनकी आराधना करने भर मात्र से आप अपने जीवन काल में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं यह बेहद सरल और आसान है अलग अलग उपाय करने की जगह एकमात्र प्रयोग अपने इष्ट देव की आराधना कल हमारी चर्चा मेष वृषभ और मिथुन इन तीन राशि के जातकों के इष्ट देव को लेकर के हुई थी आज आगे चर्चा होगी कर्क सिंह और कन्या इन तीन राशि के जातकों के लिए उनके इष्ट देव कौन है क्या करना है अपने इष्ट देवता के लिए ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में शुक्र और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है गोचर में देखा जाए तो राहु और मंगल ने चंद्रमा को अपने घेरे में ले लिया यानी पाप पापकतरी योग का निर्माण हुआ तो वहीं गज केसरी योग का भी निर्माण गोचर में हो रहा है गुरु और चंद्रमा के चौथे दशमें के संबंध से बाकी आपकी राशि के लिए कैसी ग्रह स्थिति बन रही है आगे राशिफल में इसकी चर्चा होगी तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं इष्ट देवता वैसे तो आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा हो यह हो सकता है पारंपरिक रूप से हो आपके माता पिता जिनकी आराधना करते हो आपकी भी उन्हीं में श्रद्धा हो आपके गुरु ने जिस देवता की शरणागति ग्रहण करने की कही आपने उन्हें अपना इष्ट मान लिया लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी जन्म कुंडली के पंचम भाव से इष्ट चुनाव की बात करता है और क्यों करता है तो इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं पंचम भाव ही क्यों क्योंकि कुंडली का जो नवा भाव है वो धर्म है और नवे से नवा अगर किसी बात को विशेष रूप से और गहराई से जानना है तो नव उस भाव से भावा, भाव भावात का जो सिद्धांत है उसको लागू कर लीजिए तो नवे से नवा वो कुंडली का पंचम भाव होता है और वैसे भी कुंडली का पंचम द्वार का पंचम भाव आपके पूर्व का द्वार कहा यानी पूर्व जन्म से आप जिनकी आराधना करते आए हो या पूर्व में जिनकी आपने आराधना की हो और उनकी कृपा से आपका कार्य बनता चला जाए अगर आप कर्क लग्न के हैं क्योंकि कल हमारी बातचीत मेष, वृषभ और मिथुन इन तीन लग्न के जातकों के लिए हुई थी अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आप हनुमान जी की आराधना करिए सदैव आजीवन आप हनुमान जी की आराधना करिए हनुमान जी की आराधना से आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा वैसे भी देखा जाए तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल सर्वाधिक योग काराग्रह होते हैं हनुमान जी की आराधना आपको सब कुछ देने वाली होगी अगर आप सिंह लग्न के हैं तो सिंह लग्न के लोगों को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की आराधना करनी चाहिए भगवान राम भगवान कृष्ण श्री हरि नारायण जिनमें आपकी आस्था हो श्रद्धा हो उनकी आराधना करते रहिए आपके जीवन काल में जो आपको चाहिए सब कुछ इनकी कृपा से मिलेगा और अगर आप कन्या लग्न के हैं तो आपको भैरव जी की आराधना करनी चाहिए अथवा हनुमान जी की ही आराधना करनी चाहिए अब इस चीज को जरा एक बार गंभीरता से फिर से समझ लीजिए वैसे तो मैंने कल बात बताई थी फिर दोहरा देता हूं यहां इष्ट का यह अर्थ है कि आपके अभिष्ट की सिद्धि करने वाले जो भी आपकी चाहत है, जो भी भी चाहत है आपका अभिष्ट है उसकी सिद्धि हो जाए वो कराने वाले हैं आपके इष्ट कैसे होगा कहीं भी आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो किसी भी मंदिर में जाएं आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाएं या या जाकर के साई बाबा के मंदिर में जाएं आप वहां भी जाकर के अपने इष्ट का ध्यान करिए अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का भैरव जी हैं तो भैरव जी का आप प्रणाम सामने रखी मूर्ति को करिए आप पूजा सामने मूर्ति की करिए लेकिन मन ही मन अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहिए प्रार्थना उनसे करते रहिए अगर सामने वाले देवता से भी प्रार्थना आपको करनी है मूर्ति से भी प्रार्थना करनी है तो उनसे भी यही कहिए इष्ट में कृपा कृपाइष्ट में प्रीति और बढ़ा दें तो इष्ट की आराधना करने से बाकी आप कुछ भी ना करें एक विशेष वैसे मैंने क्या कहा कि इष्ट तो आपके अपने हो सकते हैं पारंपरिक तौर पर लेकिन ज्योतिष तो शास्त्र ने जो इष्ट बताया उसके पीछे रीजन यही कि आपके अभिष्ट की सिद्धि ये कर सके ऐसे इष्ट तो अभिष्ट की ही चाह होती है जब आप ज्योतिष

साधना और आपके अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली को एक बार पहले समझ लीजिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं परंतु राहु और मंगल ने पाप मध्यत्व में ले लिया है लेकिन देव गुरु जो कि नीच राशि में नीच भंग योग बना रहे हैं गुरु और चंद्रमा का संबंध चौथे दसवें के होने के कारण गज केसरी योग का पहले तोलाब अब शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने होना बुध और चंद्रमा का आमने सामने होना यह स्थिति भी प्रद होने वाली है तो मिला जुला करके आज का दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है अगर इस विषय को आप समझें तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी चंचलता पर जल्दबाजी पर नियंत्रण रख पाए तो हर तरफ लाभ ही लाभ यूं समझ लीजिए आज चंहोर आपकी तारीफ होने वाली है लाभ की स्थिति बन रही है चंद्रमा सुखे होकर सु के आपकी राशि पर संचरण करेंगे सुख पूर्वक बीतने वाला है दिन कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर आप करने वाले हैं कर सकते हैं फैसला जो भी करिएगा जरा सोच समझ करके क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से संबंध बनाए हुए हैं और ये चंद्रमा पाप मध्यत्व में है तो पाप मध्यत्व में होने के कारण बिना विचारे अगर कोई फैसला आपने लिया तो वो फैसला गलत हो जाएगा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है और जितना हो सके आप संयम बरतिए कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है और व्यापारी है तो व्यापार में नई संभावनाएं आप तलाश सकते हैं आगे बढ़ने के लिए दिन बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन अनुकूल बना हुआ है लाभ जरूर होगा किसी से भी आज मतभेद नहीं करना है आपको चाहे आप घर से प्रारंभ कर लीजिए घर से किसी का अपमान करके अगर आप घर से निकलते हैं माता पिता किसी का भी जीवन साथी का अपमान करके निकलते हैं मतभेद करके निकलते हैं खुद पर अपना नियंत्रण नहीं रखते आप तो पूरा दिन खराब हो जाएगा तो खुद पर आपको नियंत्रण रखना है और सबके साथ प्यार से प्रेम से पेश आइए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा लेकिन अगर आप प्यार से पेश आते हैं तब विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं और वहीं चोट चपेट की घटना और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो परेशानी बढ़ सकती है जरा सावधान रहिएगा मैं फिर से दोहरा दूं जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होगा लकी अंक आपके लिए आज तीन है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है निवेश अगर करते हैं कर सकते हैं परंतु धैर्य और जानकार किराए से वृषभ की हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध होना और वहीं देव गुरु बृहस्पति का भी गज केसरी योग का प्रभाव सुखों में तो वृद्धि अवश्य होगी परंतु छोटी मोटी परेशानियां मानसिक अशांति विवाद और चिंता आज आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे मन तो लगाएंगे आप काम भी करेंगे आप मेहनत भी करेंगे आप लेकिन ये कब माना जाए कि आपने मेहनत किया कब माना जाए कि आज आपने अच्छे दिल से काम किया तब न जब रिजल्ट आए आज रिजल्ट में कमी आएगी क्योंकि आपका आकलन आपके रिजल्ट से होता है और आज रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहने वाला मेहनत तो आप करेंगे ये आप जानते हैं और ज्योतिष के हिसाब से मैं इस बात को देख रहा हूं लेकिन जो परिणाम निकल करके आएगा उससे पता चलेगा कि आपका जो आकलन होगा वो श्रेष्ठ नहीं है आपके लिए परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा मिलेगा भी तो विलंब से तो जरा सावधान रहिए लाभ से ज्यादा खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रही है खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा तो वहीं नौकरी पैसा है तो, तो प्रोफेशनल लाइफ में आज थोड़ी परेशानी होगी कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है नौकरी में बदलाव करने से संबंधित विचार करिएगा तभी निर्णय लीजिएगा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना और जल्दबाजी में कोई निर्णय तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा लंबे समय से अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है प्रयत्न आपको करना होगा और कोई भी बड़ा फैसला बिना विचारे जल्दबाजी में मत करिएगा प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा और विद्यार्थी हैं तो मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी दिन आपके लिए बढ़िया है और सेहत भी ठीक ठाक कोई पुरानी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी यानी सेहत के मामले में दिन ठीक है विशेषकर अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपके लिए बढ़िया है दिन त्वचा जन्य रोग से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी ंगड़ नमः इस मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा लकी अंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए आज कथई परंतु निवेश आप ना करें मिथुन की बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन गजकेश्वरी योग का लाभ मिल रहा है चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं परंतु ये पाप मध्यत्व में है लाभ आपको शेयर मार्केट या किसी प्रकार के पुराने निवेश से मिलेगा तो आप इधर ध्यान दीजिए वहीं एक और बात बता देता हूं कि आज सतर्क रह करके काम करना कार्य सारे बनेंगे आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपकी सकारात्मक ऊर्जा जबरदस्त आपको लाभ कराने वाली है परंतु किसी की चुगली करना किसी को नीचा दिखाना और किसी पर भी क्रोध करना आज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इसी से आपका नुकसान होगा नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक फायदे की स्थिति है आमदनी का नया जरिया दिखाई पड़ रहा है हालांकि व्यापारियों को जरा बता दूं कि पाप मध्यत्व में है आपका सप्तम भाव सो जरा सावधान होकर के चलिए व्यापार में बेहद सावधानी की आवश्यकता है नए विचार मन में आते रहेंगे परंतु कदम उठाने से पहले शांति धैर्य और गंभीरता के साथ आपको विचार कर लेना होगा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी कार्यक्षेत्र के लिए आज दिन खास हो सकता है अगर आप धैर्य से काम करें नया निवेश करने की मनाही नहीं कर रहा हूं करेंगे करिए क्योंकि धनागमन की संभावना है परंतु धैर्य के साथ पूरी जानकारी लेकर के दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब कर सकते हैं और किसी भी मित्र के भरोसे आज मत बैठिएगा जिसको आप अपना मित्र मानते हो क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति साफ बता रही है कि मित्र के चलते ही काम बिगड़ने वाला है तो जो करना है अपने भरोसे तो वही जीवन साथी की कोई बात आपको आज बुरी लग सकती है और प्रेम संबंध में आज शक की स्थिति बनेगी लेकिन यह सब मजाकिया सा होगा बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा यानी प्रेम संबंध को लेकर के कोई चिंता नहीं विद्यार्थी जबरदस्त आज सफलता हासिल करेंगे खुशियों भरा है दिन यादगार रहने वाला है और सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है बस खान पान का ध्यान रखिए और वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और आज बजरंग बाण का तीन बार पाठ करिएगा लकी अंक आपके लिए आज एक लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए कर्क की बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है एक नई शुरुआत नए उत्साह के साथ आप कर सकते हैं गोचर कुंडली को जरा समझिए आपके राशिपति दसम भाव में संचरण कर रहे हैं परंतु पाप मध्यत्व में है तो गज शुक्र बुद्ध मालव्य योग और शनि शश महापुरुष योग तो देव गुरु बृहस्पति नीच भंग राज योग का आपको प्रभाव दे रहे हैं मंगल का भाग्य भाव से संबंध आपकी राशि से बनना उत्साह बना रहेगा पूर्व से आ रही परेशानी का आपको हल भी मिलेगा लेकिन प्रयत्न थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा आज जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी लेकिन एक काम करिएगा आज किसी जरूरतमंद की मदद आप कर दीजिएगा तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी ऋण से छुटकारा पाने के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए आपको राह मिलने वाला है कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा परंतु आज आपके वो लोग वो जो शत्रु हैं जो आपको सदैव नीचा दिखाना चाहते हैं वो जी तोड़ परिश्रम करेंगे कोई ना कोई परेशानी भी खड़ा कर देंगे हालांकि मैं ये देख रहा हूं कि आपका नुकसान कहीं नहीं होने वाला लेकिन जब परेशानी में आप होते हैं तो कई बार जल्दबाजी में कोई कदम उठा बैठते हैं आज आप बेहद शांत सतर्क सावधान और कदम उठाने से पहले दस बार सोचिएगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी आज आसानी से दिन निकल जाएगा व्यापारी है तो व्यापार में फायदा होगा जरूरत से ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं है बड़े प्रेम से जितना कर सकते हो उतना ही काम लीजिए लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा मन की चिंता अपने जीवन साथी से या अपने शुभ चिंतक जो कि आपके हितैषी हैं उनसे बताइए इससे संबंध में मजबूती आएगी और साथ ही साथ सांत आपको रास्ता भी मिलेगा विद्यार्थियों को मेहनत करने से नहीं चुकनी चाहिए जितना हो सके मेहनत करिए और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर पेट के रोग से आप परेशान रहते रहे हैं तो आज ये परेशानी और बढ़ेगी खुद का जरा ख्याल रखिए और मधुमेह के रोगी हैं तो भी जरा सावधान रहिए लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए सेहत बिगड़ सकती है तो आज किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू निवेश आप जानकार किराए हो तभी करिए सिंह की बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके लिए अगर स्थिति तो राशिपति आपके जाकर के चतुर्थ भाव में यथावत स्थिति में संचरण कर रहे हैं दशम को देख रहे हैं और पराक्रम भाव में शुक्र बुद्ध की युति इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और साथ ही साथ गुरु और शनि राशि से सष्टम में संचरण कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दिन सभी प्रकार से शत्रु मुंह की खाएंगे भाग्य आपके साथ चलने वाला है काम अवश्य बनेगा निसंदेह पाप मध्यत्व में चंद्रमा के होने के कारण भाग्य भाव का पाप मध्यत्व में होने के कारण थोड़ी परेशानियां आए लेकिन आपकी योजनाएं संपूर्ण रूप से सफल होने वाली है धन लाभ के योग बन रहे हैं अपने मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से दोस्तों से अवश्य शेयर करिए और कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है प्रमोशन या सफलता से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बढ़िया है निवेश करना चाह रहे हैं तो अवश्य करिए व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं अवश्य करिए व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी कार्यस्थल पर जरा सतर्क रहिएगा विपरीत के प्रति बिना सोचे समझे आपने कुछ बोला तो आप मुश्किल में पड़ेंगे पंचम भाव आपका पाप मध्यत्व में है अपने प्रेमी से भी बातचीत के दौरान जरा सतर्क रहिए जीवन साथी से भी क्योंकि सप्तम भी पाप मध्यत्व में है तो जीवन साथी से भी बिना सोचे समझे बोलना टीका टिप्पणी ठीक करना आपको मुश्किल में डालेगा तो प्रेमी का या तो ध्यान रखिए प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए नहीं प्रेम संबंध में कटुता आएगी प्रेम संबंध टूटेगा और धैर्य नहीं रखा तो मुश्किल में पड़ेंगे जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं सेहत की बात कर ली जाए तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद है लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज के और निवेश आप अवश्य करिए कन्या के लिए आज क्या लेकर के आ रहा है दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं राशिपति का धन भाव से संचरण और शुक्र बुध की युति दोनों का दृष्टि संबंध भाग्यपति का धन से संबंध तो वहीं पति ये सब चंद्र कुंडली बता रहा हूं आपकी आपको तो चंद्र कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम पति का पंचम से संबंध सकारात्मक सोच बना करके आगे बढ़ते चले जाइए जिंदगी में बदलाव लाने का यह बढ़िया और उपयुक्त समय है कोई कदम उठाना चाहते हैं जरूर उठाइए परंतु काफी सोच विचार करने के बाद बिना विचारे जल्दबाजी में भाग्य के भरोसे मत दौड़िए भाग्य के भरोसे काम नहीं बनेगा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप प्रयत्न करिए मौका आपको जल्दी ही मिल जाएगा सफलता आपको मिलेगी नौकरी पेशा लोगों को आज जरा सावधानी रखनी चाहिए कदम विचार करके उठाइए हो सकता है कार्यस्थल पर बॉस से तूतु मै मैं हो जाए या बॉस से कई बार तूतु मै मैं तो नहीं होता तू तू मैं किसी और से होगा और बात बॉस तक पहुंच जाएगी जो कि आपके लिए नुकसानदेह होगा व्यापारी हैं तो सावधान होकर के आगे बढ़िए हालांकि व्यापार में लाभ रहने वाला है आज सोच सकारात्मक रखिए अच्छा सोचिए बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया तो वहीं जीवन साथी के सहयोग से लाभ मिलेगा और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष लाभ मिलने वाला है आपके जीवन साथी को कोई अच्छी खबर आज मिलने वाली है एक बात का ख्याल रखिएगा आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा बिगड़ेगा का काम तभी जब आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है और हनुमान चालीसा का आज पाठ अवश्य कर लीजिएगा एक ही बार करिएगा काम बन जाएगा लकी अंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा बात तुला की कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं पाप मध्यत्व में है परंतु मालव्य योग शश महापुरुष योग नीच नीचभंग राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको मिल रहा है तो वहीं देखा जाए तो महाधन योग का भी लाभ आपको यथावत मिल रहा है ग्रह स्थिति सभी प्रकार से बहुत अच्छी है कोई अच्छी खबर कोई ऐसी खबर मिलने वाली है आपको जिससे पाकर आप संतुष्ट हो जाए आत्मविश्वास आप आपका चरम पर पहुंच जाए समय के साथ आप चलने के लिए महार्थी हैं चलते ही रहे हैं आज का दिन हर मामले में बहुत बढ़िया है किसी भी तरह के परेशानी से पेचीदा परेशानी से बाहर निकलने के लिए परेशानी को सुलझाने के लिए उसका हल ढूंढने के लिए बढ़िया है तो वही नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जरा सतर्क और सावधान रहिएगा विपरीत के प्रति अभद्र भाषा या कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा इससे मुश्किल में पड़ेंगे और व्यापारियों की बात कर ली जाए तो फायदा होने वाला है लाभ की स्थिति बनी हुई है परिवार के सदस्य बड़े सदस्य अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात मानिए उनसे बहस भूल कर भी मत करिए प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज यादगार है दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है दिन सफलता प्रदायक है दिन गोचर कुंडली में स्थिति देखें तो पंचम पति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में सश महापुरुष योग का तो वहीं शुक्र बुद्ध की युति आपकी राशि से मालव्य योग का जो लाभ मिल रहा है तो सामान्य विद्यार्थी और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों दोनों के लिए फायदेमंद और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद है दिन सफलता मिलने वाली है सेहत में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है जरा सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा और आज गाय को रोटी अवश्य दीजिएगा लकी अंक आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश आप कर सकते हैं वृश्चिक की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये केतु का नक्षत्र है और आपके राशिपति मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो गज केसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है तो वहीं कर्मपति सूर्य आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं मन के भटकाव को दूर कर और कर्म में लग जाएं तो आज का दिन बेहद खास हो जाएगा लगभग हर घटना का जैसे आपको पूर्वाभास होता चला जाएगा अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा अगर इच्छा हो तब भी क्योंकि आज मन में पूर्व में घटित होने वाली घटनाओं का आपको आभास होगा बताएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे बताना जरूरी हो तो बेहद खास जैसे अपने जीवन साथी को माता पिता को बताइए धन से संबंधित कोई कार्य जो कि रुका हुआ था वो अवश्य पूरा होगा नए अवसर आपको मिलेंगे और मैं बता दूं कि जो भी अवसर मिलता है उसका लाभ उठाइए नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक ठाक है धैर्यपूर्वक आपको काम करना है कोई नई योजना बना रहे हैं विचार करके योजना बनाइए विचार करके उस पर काम करिए और किसी भी तरह के निवेश से पहले आज पूरी तरह से सलाह लीजिए मैं बता देता हूं गोचर कुंडली की स्थिति इस तरह की नहीं है कि मैं आपको सलाह दूं कि शेयर मार्केट में निवेश करें निवेश से नुकसान होगा लव लाइफ में बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस मानसिक तनाव दबाव और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है कफ जन्य रोगों से आप परेशान है तो यह परेशानी यथावत रहेगी आज भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करिए लाभ मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश आप ना करें धनु की बात कर लेते हैं धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है बदलाव करिए खुद का विश्लेषण करिए खुद के बारे में सोचिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो परिस्थितियों को जरा भली भांति समझिए गोचर कुंडली में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं त्व में संचरण कर रहे हैं लेकिन देखा जाए तो शुक्र बुध की युति लाभ भाव से अपना प्रभाव दे रही है आपको आपको जिसका संपूर्ण लाभ मिल रहा है लेकिन आपकी राशि के दोनों तरफ यानी एक तरफ शनि और दूसरी तरफ सूर्य ने पाप मध्यत्व में आपकी राशि को डाल दिया है जिसके चलते गलत निर्णय हो जाए सावधानी क्योंकि चंद्रमा गोचर कुंडली के पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं राहु और मंगल ने उनको अपने घेरे में ले रखा है मंगल की राशि में होने के कारण चंद्रमा जल्दबाजी में आपसे निर्णय कराएंगे पाप मध्यत्व में आपका व्यक्तित्व यानी आपकी राशि पाप मध्यत्व में होने के कारण जो निर्णय आप लेंगे वो गलत होगा और हो सकता है आपको उसका नुकसान हो जाए तो क्या करना चाहिए पहले खुद का विश्लेषण कर लीजिए समझ लीजिए कि मेरी क्षमता कितनी है मुझे कितना करना चाहिए और कितना करके मैं लाभ ले सकता हूं और जब आपने एक निर्णय ले लिया सही से विचार कर लिया अब आप आगे बढ़िए लाभ की स्थिति बन रही है परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं वो पूरा पूरा आपको सहयोग देंगे तो इन शेयर मार्केट में भी निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है कार्यस्थल पर सहयोगियों से आप अपना प्लान भी डिस्कस कर सकते हैं आपको वो पूरा सहयोग देंगे काम आपका बनेगा और निवेश के लिए तो खैर समय अच्छा है ही निवेश फायदेमंद पूरी तरह से रहने वाला है झूठ बोलने से आपको बचना है किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए लड़ाई झगड़ा मतभेद इससे दूरी बना करके रखिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन तो वहीं धनु लग्न के राशि के जातकों के लिए बता दूं एक बात का ख्याल रखिएगा अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जरूरी मदद है वो न मिल पाने के कारण थोड़ी चिंता आपकी बढ़ेगी आज अव्यवस्थित होने वाली है शिक्षा आपकी सेहत सामान्य कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर कोई परेशानी थी भी वो भी दूर होगी जरूरतमंद को आज भोजन कराइएगा लकी अंक आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए मकर की बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, पाप में है तो वहीं आपकी राशि पर गुरु और शनि की युति का प्रभाव तो वहीं मालव्य और शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ मिल रहा है लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है परंतु चिंता पैसे को लेकर के बनी रहेगी व्याधिक के कारण कही न कहीं ना कहीं परेशानी परिवार को लेकर के कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जिससे भी मिलिए जरा मीठे सुर में बात करिए आप आप चाहते हैं आप चाहते हैं हैं कि कि दिन दिन बढ़िया बीते आज इस दिन का लाभ मिले धैर्य के साथ गंभीरता के साथ विचार करके और तब आप लोगों से बात करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जरूरत पड़ने पर, पर परिवार का सहयोग मिलेगा परिवार के किसी सदस्य का अपमान आज आपके द्वारा न हो इस बात का बस ख्याल रखिए मित्र की सहायता आज आपको मिलेगी और मित्र की सहायता से रुका हुआ कार्य बनेगा तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बनने वाला है कई दिनों से जो कार्य आपका रुका हुआ था विशेषकर अगर कोई सरकारी कार्य के लिए आप बहुत दिनों से दौड़ भाग कर रहे थे और कार्य नहीं बन पा रहा था वो कार्य आपका बनेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है नौकरी में आज लाभप्रद स्थिति रहने वाली है आकस्मिक लाभ की स्थिति बन रही है परंतु शेयर मार्केट में निवेश आपको नुकसान पहुंचाएगा शेयर मार्केट में निवेश से आपको मना कर रहा हूं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा लव लाइफ सामान्य रहने वाला है दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खुशनुमा बस आज जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए तो पूरा दिन बढ़िया रहेगा जीवन साथी की भावनाओं को समझिए और विद्यार्थी मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से थोड़े असंतुष्ट अशांत होंगे सिर दर्द की शिकायत अथवा पिता की सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और हो सके तो इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए लकी लकी अंक आपके आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज आज कलर हरा और निवेश आप ना करें कुंभ की बात कर लेते हैं कुंभ राशि के 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 जातकों लिए आज का ये दिन क्या लेकर आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र बुद्ध की युति भाग्य भाव में भाग्य का साथ यथावत और साथ ही साथ सूर्य दिग्वली होकर के आपके लिए दसम भाव से प्रभाव दे रहे हैं किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो यहां पर आपको लाभ मिलने वाला है सरकारी नौकरी से में, हैं आप और कोई परेशानी आपको आ गई है यहां पर आपको मुक्ति मिलने वाली है किसी भी तरह के सरकारी कार्य में कोई बाधा आ रहा था कोई परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी पैसे की स्थिति को लेकर के चिंतित थे उसको बेहतर बनाने के लिए समय बेहद श्रेष्ठ है कोशिश करते हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा काम सारे बनेंगे

परेशानी आ गई थी कोई कानूनी अड़चन आ गई थी उसे दूर कर होने वाले दूर होने वाली है वो अगर आपके ही माथे है ऐसी कोई परेशानी कोई कानूनी अड़चन है उसे आज के आज दूर करने में लग जाइए कल पर मत छोड़िए अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है किसी को प्रपोज करने वाले थे तो कर सकते हैं प्यार का इजहार किया करना आज के लिए ठीक रहेगा और दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाए तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी आज जरूर थोड़े चिंतित रहेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया दिन नहीं दिखाई पड़ता और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरा सावधान रहिएगा वाहन इत्यादि चलाते समय चोट चपेट की घटना दुर्घटना घटित हो सकती है भोलेनाथ के ऊपर जाकर के आज पत्र अर्पित करिएगा लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज काला है और निवेश आप अवश्य करिए जानकार की राय मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा लाभ मिलेगा मीन की बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों का आज मन प्रसन्न रहने वाला है गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है नक्षत्र में चंद्रमा का तो भाव से जुड़ करके लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं भाग्य भाव से सूर्य का संबंध और अष्टक वर्ग की स्थिति भी आपके लिए बेहद खास मन प्रसन्न काम में सफलता हर दृष्टिकोण से दिन आज का खास रहने वाला है वाणी जबरदस्त प्रभावी रहने वाली है और अपनी वाणी से आप अपना काम बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी शत प्रतिशत वाणी से ही क्योंकि राशि पर आपके मंगल का संचरण और मंगल चंद्रमा का मेष राशि से संबंध सत्य तो बोलना आपके स्वभाव में है ऐसा बोल बैठेंगे जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए कार्यस्थल पर गलत को सही ठहराने की कोशिश मत करिएगा नहीं मुश्किल में पड़ेंगे व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है लाभप्रद स्थिति है बस जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला हो जाएगा जिससे नुकसान हो धैर्य के साथ फैसला लीजिए प्रेमी के साथ संबंध बहुत बढ़िया प्रेम प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतेगा और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी आ गई है और जल्दबाजी में आपने कोई कदम उठाने की ठान ली है कि नहीं अब ये करके ही मानूंगा तो जरा रुकिए धैर्य रखिए समय बदल जाएगा थोड़ा समय दीजिए अपने आप को अपने दाम्पत्य जीवन को आज पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा है मेहनत जबरदस्त करिएगा मन पढ़ाई में आज कम लगेगा आपका लेकिन मेहनत से पीछे मत भागी सात लकी कलर आपके लिए आज मजेंटा है निवेश आप कर सकते हैं तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार